वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम अपने एमएस सब्जेक्ट में देखते हैं लेसन नंबर 5 की एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज में हमने पिछले क्लास में देखा था ए सेक्शन के क्वेश्चन आंसर, जो सही ऑप्शन को टिक करना था और उसके साथ-साथ वो ऑप्शन मतलब जो सही है वो हमें लिखने भी थे। ओके, अभी हम देखते हैं बी एंड सी के क्वेश्चन आंसर। तो बी में क्या है, राइट टी फॉर टू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि जो सही स्टेटमेंट है, जो सही बात है, उसके सामने हमने हमें लिखना है टी, एंड जो गलत स्टेटमेंट यानी कि गलत बात है उसके सामने हम लिखेंगे एफ। ओके, उसके बाद क्या है सी, कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस है उनको हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, अ जॉइंट फैमिली इज अनदर नेम ऑफ अ बिग फैमिली, यानी कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसको हम बिग फैमिली भी बोल सकते हैं। तो हाँ, मतलब सही है ना, देखो जो जॉइंट फैमिली होती है वो तो बड़ी फैमिली होती है, जैसे जॉइंट फैमिली में मदर है, फादर है, उनके चिल्ड्रन है, उसके बाद अंकल आंटी उनके बच्चे, एंड देन क्या नाना नानी दादा दादी होते हैं ना, यानी कि इनसे मिलके क्या बनती है, बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली को भी हम बिग फैमिली बोल सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टी, यानी कि ट्रू, यानी कि सही बात, सही बात है ये। उसके बाद देखो सेकंड नंबर, अ स्मॉल फैमिली हैज 5 or 6 मेंबर्स। स्मॉल फैमिली में 5 या फिर 6 मेंबर होते हैं क्या, जैसे हमने पहली फैमिली देखी थी स्मॉल फैमिली, तो स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर्स थे, 3 या फिर 4 मेंबर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, यानी कि यफ। ओके, नेक्स्ट, अंकल इज द ब्रदर ऑफ योर मदर, जो अंकल होते हैं वो अपने मम्मी के ब्रदर होते हैं, यानी कि हम अपने मामा जी को भी क्या कहते हैं, अंकल बोलते हैं ना, तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, एंड इसीलिए हम इसके सामने लिखेंगे टी। ओके, उसके बाद देखो, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव एंड सपोर्ट ईच अदर, यानी कि एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को मदद करते हैं, उसके साथ साथ एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एंड एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। ओके, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, एंड इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टी। ओके, इतने समझ में है आपको। अभी देखो बी में क्या है, सी में क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंसेस है नीचे दिए हुए ये थोड़े मतलब क्या है, इनकम्प्लीट है। ओके, देखो ब्लैंक्स है यानी कि ये इनकम्प्लीट है, तो इन्हें हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो देखो पहला वाला सेंटेंस क्या है अपने पास, योर फादर फादर इज योर, यानी कि आपके फादर के फादर आपके कौन लगते हैं, आपके पापा के पापा आपके कौन लगेंगे, फादर के फादर कौन लगते हैं, अपने ग्रैंड फादर, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, ग्रैंड फादर, GRANDFATHER। ओके, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। क्या हुआ सेंटेंस, योर फादर्स फादर इज योर ग्रैंड फादर, हो गया। अभी सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, योर फादर्स मदर इज योर, यानी कि आपके पापा की मम्मी, आपके पापा की मम्मी आपकी कौन हुई, देखो ना, योर फादर्स मदर इज योर, तो आपके पापा की मम्मी कौन हुई, जैसे पापा के पापा ग्रैंड फादर, तो पापा की मम्मी कौन हुई यहाँ पे, ग्रैंड मदर कौन होगी, GRANDMOTHER ग्रैंड MOTHER मदर। ओके, सेकंड में क्या आएगा, ग्रैंड मदर, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। पढ़ो क्या है सेंटेंस, योर फादर्स मदर इज योर ग्रैंड मदर। ओके, उसके बाद योर मदर्स डॉटर इज योर, यानी कि आपकी मम्मी की बेटी, डॉटर यानी कि बेटी आपकी कौन हुई, योर मदर्स डॉटर इज योर कौन होगी, आपकी मम्मी की बेटी आपकी कौन होगी, आपकी सिस्टर, सिस्टर यानी कि बहन, यस आई यस पी ई आर सिस्टर। ओके, हो गया सेंटेंस कंप्लीट।
उसके बाद देखो योर मदर्स ब्रदर इज योर कौन देखो यहां पे क्या है अंकल इज द ब्रदर ऑफ योर मदर है ना तो यही वहां पे लिखेंगे हम तो यहां पे क्या लगाएंगे हम यहां पे क्या लिखे अंकल आपके मतलब हमारे मम्मी के भैया अपने कौन होते हैं अंकल होते हैं ना यू एन सी एल ई अंकल ओके उसके बाद देखो योर आंट्स चिल्ड्रन इज योर आपकी आंटी के चिल्ड्रन आपके होते हैं बट कौन हु कौन होते हैं वो आपके आपके आंटी के बच्चे आपके कौन होंगे कौन होते हैं कजन कौन होते हैं कजन योर आंट्स चिल्ड्रन इज योर कजन सी ओ यू एस आई ओ एन सी यू सी